खिलौने। अरे का करी हमारी गुड़िया रानी है, अंदर बैठ गई। चलो हम भी आ जाते। राजा मामा, इस कमरे में तो हम आए नहीं, और इतने सारे खिलौने किसके हैं? अरे बिटिया रानी, ये सारे खिलौने तुम्हारी माँ के हैं। हाँ, जब तुम्हारी माँ छोटी थी ना, तो यहाँ के इन सब खिलौनों के साथ खेलती थी। अरे यहाँ तो इतने सारे खिलौने हैं जो तुम्हारी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। सच में? माँ खिलौना बनाना भी जानती है? हाँ। हमें तो पता ही नहीं था। अरे बाप रे। हम भी खिलौना बनाना सीखेंगे मामा, सिखाएंगे? अरे बिल्कुल सिखाएंगे, अभी सिखा देते। अरे वाह, हमारी गुड़िया रानी ने कितना खूबसूरत घर बनाया है। अरे वाह 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 गुड़िया रानी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखो मामा की किश्ती है, इसमें बैठ के परी और मामा घूमने जाएंगे। क्यों है? आ, आ कूदो मामा। हाँ? अब आप खेलो। अरे मैं, अरे हमको कहाँ आता है, है? खेलो खेलो। अच्छा इसको इसको ये इसको नहीं। मामा जम। हाँ। अरे अरे, अरे वाह। मामा जम 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 मामा जम मामा जम। अरे बाप रे। बहुत मजा आया। हाँ हम तो थक गए बेटा। हाँ, बहुत मजा आया। आपको तो बहुत मजा आया। अरे हमारी कमर तो लचक गई। बैठो बैठो बैठो, एक चीज तो दिनाई भूल गए हम। एक मिनट, कहाँ लाए हम? हाँ मामा। हाँ? ये किसने दिया? पकड़ो से। ये उन्होंने दिया है। I love you बड़ी माँ। प्यारी बच्ची। अच्छा घर में अब जो कुछ भी करना था वो तो हो गया है। अब चलो हम तुम्हें और कुहू को पहाड़ घुमाने ले जाते हैं। मामा। हाँ? फिर तो हमें बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा मामा। हुँ? हम अभी कुहू को बुला कर आते हैं। जल्दी जाके ले आओ। हैं? पता नहीं पर दोबारा कब तुम्हारे साथ वक्त बिताने को मिलेगा। आ गए वापस घर। हाँ ये लो भैया, आ गए घर। चलो दादी के पास भागो। है अरे मेरे बच्चे घूम के आ गए, क्या क्या लाए हो बताओ। देखो राजा मामा ने हम लोग के लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। और नानी देखे
बाबू जी ने भी हमें इतने सारे खिलौने। हाँ भाई, आप दोनों तो लाडली हैं राजा भैया की। इनका बस चलता है तो दुनिया भर के सारे खिलौने आप दोनों को लाके दे देते। हेलो बलराज जी। जी डॉक्टर साहब। क्या आप फौरन अस्पताल आ जाइए प्लीज। जी अच्छा। क्या कहे थे डॉक्टर? नंदनी वो ले मां। हालत तो सुधर रही थी लेकिन आज अचानक वापस सीरियस हो गई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी सारी कोशिशों के बावजूद उनके हार्ट बीट्स नॉर्मल नहीं हो पा रहे। बीपी लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे हालत में पेशेंट की रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर होती है। बलराज जी, अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। आई एम सॉरी मिस्टर बलराज, शायद इस बार हम नीलिमा जी को बचा नहीं पाएंगे। जी बड़ी माँ को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, बट भगवान के घर से टेलीफोन आया है तुम्हारी माँ के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरे बच्चों, बड़ी माँ कुछ नहीं हुआ। फिर वो हॉस्पिटल क्यों गए? वो उन्हें देखने गए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी माँ ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? दुल्हन की हिफाजत करना। या अल्लाह, इस घर के रहने वालों पर रहम कर, हम सब की हिफाजत कर। या अल्लाह, दुल्हन की जरूरत इस घर में, उसे जल्दी से ठीक कर कर घर वापस लौटा दे। अगर उसे कुछ हो गया तो राजा जिंदा नहीं रह सकेगा और ये घर बिखर कर रह जाएगा। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, दुल्हन को सेहत दे, उसे जल्दी से ठीक करके घर वापस लौटा दे।
मेरे राजा की सुनी जिंदगी आबाद कर दे, दुल्हन को ठीक कर कर वापस घर पहुंचा दे। मैं तुझसे भीख मांगती, मेरी दुआ सुन ले, मेरी दुआ सुन ले। भाभी की हालत में कोई सुधार? हालत अभी भी क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके, कुछ भी करके भाभी को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज। जी की बड़ी माँ बीमार है, माँ पापा राजा मामा घर के सारे लोग दुखी है भगवान जी। पर माँ कहती है आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, लेकिन हमारे घर पे तो सब दुखी है भगवान जी। कौन रहेगा भगवान जी, क्योंकि हम माँ पापा के साथ दुबई जा रहे हैं, फिर मामा तो एकदम अकेले रह जाएंगे भगवान जी, उनका ख्याल कौन रखेगा भगवान जी। हमारे कहने पर आपने बड़ी माँ को ठीक कर दिया था ना, इस बार भी हमारे पास सुनेंगे ना भगवान जी। कृपा हो हम पर, दृष्टि करो दयालु। थामू
सिमरिकर